ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 2 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਪੂਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਪੈਰਾਗੋਨ ਹੋਟਲ ਸੋਲਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ योग भारती द्वारा नगर परिषद हॉल में 26 मई से योग अभ्यास वर्ग का आयोजन किया जाएगा। इसमें योग क्रियाओं के माध्यम से असाध्य बीमारियों से लोगों को राहत प्रदान करने की जानकारी दी जाएगी। शिविर 2 जून तक चलेगा। शिविर की विशेषता यह है कि इसमें भाग लेने वाले लोगों की पहले आयुर्वेदिक जाँच होगी और इसके बाद उन्हें योग प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। घंटा काम करेंगे नहीं और रात दिन प्रवास। इस शिविर में कितने डॉक्टर आने के हुए, कौन से डॉक्टर होंगे, क्या पद्धति से इलाज होगा? अभी तो हमारा यही का तो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, MD वैद्य राकेश पंडित जी, वो आरोग्य भारती के अखिल भारतीय प्रमुख, वो आ रहे हैं, शिमला में रहता है। वो जड़ी बूटियों के बारे में कहेंगे, कुछ दवाई के बारे में बता देंगे। दूसरा डॉक्टर अजय गांधी एक है, चंडीगढ़ में रहता है। न्यूरोथेरेपी यानी नर्वस सिस्टम के क्या है, शरीर का व्यवस्था में कुछ शक्ति संचार होता रहना है, नस नाड़ियों के बीच में, रक्त नाड़ के बीच में, ये रुक जाए तो बीमारी आ जाती है, रुकावट की बीमारी, उसको निवारण करने के लिए वो करता है, वो न्यूरोथेरेपी ऐसा कहता है। और एक यहाँ राजेश जी है, राजेश कपूर, वो बहुत जड़ी बूटियों का जानकार रहते हैं। और कुछ पत्रकार सारे हैं, वो सारे करना है, और भी कुछ लोगों से संपर्क हो रहा है। अगर वो सारे हो जाए तो रोज एक डॉक्टर को बुलाना, प्रमुख डॉक्टर को, उनके माध्यम से कुछ करवाना, ये बोलते तो लोगों से क्या आह्वान करेंगे? लोगों के लिए यही कहेंगे, पहले प्रयोग में आ जाइए, आके देख लीजिए। सीइंग इज बिलीविंग कहते हैं। योग के बारे में आप सुना होगा, अलग अलग प्रयोग देखा होगा। यहाँ जो सम्मिश्र करके सारे बातों को जोड़ाया जा रहा है, वो आप एक बार देख लीजिए। ये भी एक स्वाद देखना चाहिए, पंजाबी में कहता ना, स्वाद चखना चाहिए, इस कारण से ये भी एक बार देख लीजिए। बाद में जो आगे बनने वाला है, क्योंकि ये SV आशा का आइडिया है, एक हफ्ता के अंदर व्यक्ति के आत्मविश्वास विकसित करना, क्योंकि आत्मविश्वास फेलूर हुआ तो व्यक्ति के सारे काम बिगड़ जाते हैं। इसका आत्मविश्वास निर्माण हुआ तो कहीं से कहीं भी बन सकता है, मानव भी महामानव बन सकता है, दैवी शक्ति उनमें विकसित हो सकती है। आत्मविश्वास हार गया तो सब कुछ गया। ठीक है जी।